वेलकम टू यूपीएससी सीडीएफ गाइस, हम आ गए हैं पार्ट 50 पर और काफ़ी गजब क्वेश्चंस है, इसे हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। देखने में काफ़ी डरावना लग रहा है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब एक स्पेशल केस है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, जब भी आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट टी दिया है या एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर रूट टी दिया है, ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है। अगर आप मेरी वीडियो जो है लगातार फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से अगर मैं एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू पूछूँ ना, तो वो डायरेक्ट आती है क्या, टी माइनस थ्री रूट टी, ठीक है। और यहाँ से एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू पूछूँ तो वो आती है टी प्लस थ्री रूट टी। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका के क्यू माइनस थ्री के। अब इसका जब क्यू करोगे तो वो कितना आ जाएगा, टी रूट टी आ जाएगा, ठीक है, माइनस थ्री के, माइनस थ्री रूट टी, सही है। मैं यहाँ से रूट टी कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टी माइनस थ्री रूट टी। ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बीच में बस प्लस आ जाता है तो ये आ जाएगा टी प्लस थ्री रूट टी, ठीक है भाई, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर रूट के स्क्वायर माइनस फोर और के स्क्वायर माइनस वन दिया है, यानी कि अगर मैं आपको बात करूँ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वो कितना होगा, आपको ये पता लगाना है, ठीक है। उसी का स्क्वायर करने पर हम एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल। बट तब सवाल है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कितना होगा ये आपको बताना है, तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और बताइए क्या आएगी वैल्यू। आई होप आपने ट्राई करा हो, बट मुझे पता है नहीं करा है, तो देखिए। देखो ये जो वैल्यू बन रही है ना, वो ब्रैकेट के बाहर देखिए, टी प्लस रूट थ्री। देखो ये माइनस वाले केस में लेते हैं, माइनस वाले केस में क्या आता है, टी प्लस थ्री ब्रैकेट के रूट के बाहर आता है, ठीक है। तो टी प्लस थ्री आ रहा है, इसमें अगर मैं थ्री जोड़ूंगा तो बाहर आ जाएगा, आप बोलेंगे आ जाएगा। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या होता है, टी होता है, ठीक है, सॉरी रूट टी होता है। तो रूट में क्या वैल्यू दी है, वही तो आंसर होगा, रूट में दिया आपका के स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है भाई। एक बात ज़रा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर ये माइनस वन की जगह पर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर होता तब हम ये वैल्यू नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये इस कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाता, टी प्लस थ्री रूट थ्री वाली, रूट टी वाली, सही बात है। अभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ से एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई रूट के स्क्वायर माइनस फोर, और जब स्क्वायर निकालेंगे इसका, स्क्वायर थोड़ी, देखो जब स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये मैंने आपको निकालना सिखाया है, आप एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। बट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या होता है, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या होता है, वो होता है आपका ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस प्लस फोर, ठीक है। ये मैंने नहीं सिखाया, अगर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर टी दिया है तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर हो जाता है टी स्क्वायर प्लस फोर। तो जब इसका स्क्वायर करूँगा तो के स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा, और प्लस फोर मुझे अपनी तरफ से ऐड करना है, तो फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया और रूट के बाहर आ जाएगा, तो x प्लस वन अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, समझ में आया गया। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो k और रूट के स्क्वायर माइनस फोर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ये आंसर हो गया, के के स्क्वायर माइनस फोर रूट में, ये आंसर है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस है आपको, आई होप ये डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। जैसे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर आपको रूट एट दिया है और एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछा है, तो आप डायरेक्ट आठ में तीन जोड़िए ग्यारह और रूट एट, ये आंसर, समझ में आया। ये काफ़ी गजब कॉन्सेप्ट है, और आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। बाकी के पार्ट जो है आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं 49 तक, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो देखिए प्लीज़। और बस जय हिंद।